नमस्ते दोस्तों, आज है 18 फरवरी और स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर सेशन। प्रश्न एक, बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए एम राम जोईस, गंगा प्रसाद, सत्यपाल मलिक, केसरीनाथ त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ए एम राम जोईस। हम आपको बता दें, ए एम राम जोईस बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल ए एम राम जोईस का लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया तथा कोयम्पु विश्वविद्यालय ने एम राम जोईस को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। वे शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ए एम राम जोईस। अगला प्रश्न, प्रश्न दो, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया? राम नरेश यादव, सत्यदेव नारायण आर्य, किरण बेदी, फागु चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किरण बेदी। हम आपको बता दें, किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया था। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। अगला प्रश्न और प्रश्न तीन, किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की? स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। हम आपको बता दें, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में जूट के किसानों की मदद के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। हम आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी और नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में से 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रदान करना है। इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न पांच और आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? कोमल त्यागी, संजना राज, प्रीति सिन्हा, प्रीति शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीति सिन्हा। हम आपको बता दें, हाल ही में भारतीय मूल के निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जुड़ित कार्यकाल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुई थी। संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीति सिन्हा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू। जय हिंद।